हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो स्वागत आपके मेरे यूट्यूब चैनल प्रेमजी उत्तराखंडी में कई दिनों बाद। तो दोस्तों अभी शाम के बज रहे हैं 5 और आज हो चुकी है 28 तारीख अक्टूबर की। तो अभी हम कुंडिया से जा रहे हैं गांव के लिए। काफी दिन में ब्लॉग बनाने को मिला क्योंकि पीछे भाई बिजी था, मैं ब्लॉग नहीं बन पाए और यहाँ पे आ रखे थे हम 4-5 बंदे। तो अभी आपको सबसे मिलाते हैं। एक तो ये हमारा भाई रख गई आ रखा है, और अगर ठीक ठाक भी भाई साहब नमस्कार सर, बढ़ गया बढ़िया हमारा भाई बढ़िया है। और ये उत्तराखंड चैनल को ऐसे बढ़ा दियो। कैसे बढ़ा दियो? बढ़ा दियो अपने उससे, माने ये अपने जो खेत खूत है हमारे, इसको सबसे प्यारा डालना। हम अभी आगे जाके हमने अभी गेहूँ बोतेंगे, उसमें ये है हल भी लगाएंगे। अब कल से मतलब हल वाल लगाएंगे गांव में? गांव में हल लगाऊंगा, हम अपने खेती करेंगे। गेहूँ बोएगा वो? हाँ गेहूँ बोतूंगा, उसके बाद फिर हम अप्रैल में हम इनको लाएंगे। तो अभी हम कुंडिया से जा रहे हैं, आपको दिखाते भाई ये पूरी की पूरी झाड़ी झाड़ हो रही है चारों तरफ, ये देखिए। और अब अगले महीने ये सूख जाएंगे तो इनको काट के थोड़ी सी आग लगा लेंगे इन पे, तो सब सही हो जाएगा। ये बात है, कुछ नहीं है यार, बोते हैं साले सुंगर खाते हैं, बंदर खा जाते हैं, क्या करें, इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए कुछ। हाँ तो दोस्तों साथ में जा रहे हैं, दिखा देता हूँ आपको कौन कौन जा रहे हैं। तो ये सामने आप देखेंगे तो भारती भाई, और प्लस जा रहा है बिक्का, और हमारा मकान भाई जा रहा साथ में, और दूसरा है पीताम्बर दास हमारे साथ में। तो ये सारे के सारे आ रखे थे कुंडिया, और अब कुंडिया थोड़ी देर बैठ बुट के मतलब देख दुख के, और उसके बाद जा रहे हैं फिर गांव में। तो ये हमारे भारती भाई साहब, और भाई कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया। तो गेहूँ कहाँ बोले? गेहूँ बोले सच पुंगड़ी, गेहूँ बोले कम से कम 11 बार 11 बार पुंगड़ी। अच्छा, और कुछ मतलब गेहूँ लगा? मटर बोले, मटर और वो मसूर, मटर मसूर मसूर और मटर और बस ये बोया। अच्छा, हमारे सार नहीं है, हमारे खेती हमारे मुखड़ी खेती है। और अठवार कमर भाई यार, अठवार भैया अब ये है कि ये तो उस समय नाम, लेकिन अभी दिल्ली वालों को कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो उसकी सलाह कर लेना दिल्ली वाले। जो दिल्ली में तो वही सलाह हो गई, आज जो वीडियो देखेगा वो मतलब देख लेना जी, ऐसा होगा मेरा बकरा कुछ नहीं मरेगा। हाँ ये हमने पहले बता दिया, जहाँ भी होगी भले सिरपल से होगी, और जिसका मेहमान आएंगे अपने घर खाएंगे, बात खत्म। लास्ट के दिन होगा भंडारा, लास्ट के दिन भंडारा। और दोस्तों वही 23 तारीख दिसंबर में चलेगा हमारे यहाँ पे दिया, और बहुत बड़ी पूजा बोलते हैं जो कि 22 साल में हो रही है, अठाड़ बोलते हैं इसको हमारे गांव में। कई सालों बाद पहले वो बेला बकरी था, नहीं अब वो पहले बलि प्रथा होती थी, पर आज के डिजिटल जमाना है जो ना, हर एक जगह बंद हो गया ना, हर एक जगह बंद हो गया, तो हम लोगों ने भी बंद कर दिया है। तो अब सिरपल में जो भाई साहब बोल रहे, सिरपल से पूजा होगी, अपना डिसाइड कर लेना कैसा करना क्या करना है, जो भी है वालों। अरे नहीं है बात बोलो ना, डिसाइड तो हो ही रखा है, बाकी लोगों के कान में थोड़ी बहुत भनक थी। और बाकी हम कंफर्म बता रहे कि 23 तारीख दिसंबर को दिया जलेगा, और 24 तारीख से हमारे यहाँ पे अठवाड़ होंगे, जो कि हमारी पूरी देवी देवता जितने होते हैं हमारे गाँव के, सबकी पूजा होती है, पूरे गाँव की शांति के लिए ये पूजा रखी जाती है। और 22 साल हो गए भाई, 22 साल पहले हुई थी ये पूजा, 22 साल लग गए तो 6 महीने में, 22 साल हो गए पूरे। हाँ तो अब इस साल है ये पूजा, अगर सुखी शांति रहा तो दिसंबर तक तो ये पूजा होगी। भाई ये सुदीप भी आ रखा था साथ में, कुंडिया में गया था हमारे साथ में, तो अभी वहाँ सारे कैसा लगा सुदीप तेरे को बताता था? बहुत अच्छा लगा। तो आपसे पूछ रहे हैं यार, तू बोला बताओ चाचा, तो मजाक कर रहा है हमसे यार, बहुत सुंदर है भैया, सुंदर चीज़ है, सुंदर है, अच्छी चीज़ है। कुंडिया तो जो मतलब उत्तराखंड अपना स्वर्ग है, स्वर्ग है, और यहाँ से हिमालय भी दिखता है आपके पहाड़ के यहाँ से। और बताइए, और तुम बताओ कैसा लग रहा तुम्हें गाँव में? भाई तीन चार दिन हो गए घर पे आए हुए, चार दिन से भाई घर पे, और फुल यहाँ पे मतलब उत्तराखंड के मजे ले रहे हैं, कभी वातावरण के मतलब हवा पानी यहाँ का जो शुद्ध वातावरण है नी, बिल्कुल। और बताओ कुछ? बस बढ़िया, अठाड़ में आएगा देखते तो भाई, ये भी दिल्ली से आ रखे हैं, इनको तक पता है, दिल्ली वाले बोले हमें नहीं पता है कि अठाड़ हो रहे कि नहीं हो रहे, बताओ नहीं ये कोई बात थोड़ा होती है। और बच्चे भी आएंगे ना उस टाइम पे, बच्चे भी आएंगे भाई, सुदीप बोला बच्चे भी आएंगे इसके। और चलो आगे बताऊंगा आपको, बात की बात है, एक सीक्रेट रहेगा, और आपको इसके बाद दिखाता हूँ मैं मन्नाड़, जो कि परसों दिवाली के दिन लगा था हमारे यहाँ पे। इसको बड़ा डर लगता है वीडियो से, क्षेत्र पंचायत है ये,
डुगू डुगू। तो भाई ये भी हमारे साथ में गया था मकान भाई का डॉगी, इसको बुलाया वापस आया तुरंत। डुगू 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 इधर इधर। तो ये देखिए वो साथ में गया था हमारा, तो ये मकान भाई का बड़ा प्यारा कुत्ता है ये डॉगी। जहाँ भी जाता है भाई साथ में जाता है मकान भाई के, कहीं भी जाए गांव के अंदर ना तो पूरे गांव में जाता है। ये देखिए ये सारे के सारे जार के सदस्य। Hey, 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 hey
हाँ।